हवा से चलने वाली बाइक, ये क्या है, इसके बारे में बताएं। ये प्योरली जो हवा उसी को कंप्रेस करके उसको दबाव डाल करके ही आगे उसका एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका उपयोग इंजन को चलाने के लिए किया जा रहा है। और अच्छा। एक ऐसा इंजन बनाया है 4 इंच का, छोटा से छोटा, जो कि 5.5 हॉर्स पावर वो पैदा करता है पावर। और इसके रिक्वायरमेंट हमारी मोटरसाइकिल में केवल 5.5 हॉर्स पावर की जरूरत होती है, जिसमें अच्छा दो दो आदमी बैठ करके इसे चला सकते हैं। अच्छा एक बार यदि हम हवा भर दें तो कितने मिनट तक या कब तक चल सकता है? ये 1 मिनट, एक बार हवा टंकी में भरने पर ये 40 किलोमीटर चलती है, और अच्छा उसमें स्पीड उसकी 80 किलोमीटर अटेन की जा सकती है। इसमें टैंक जो है दोनों किनारे लगे हुए हैं, और इसकी कैपेसिटी पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसको 100 किलोमीटर तक के लिए डिजाइन कर रहे हैं अब फ्यूचर में। और इसका मुख्य जो हम लोगों ने पर कार्य किया है, विशेषकर मैंने अपने रिसर्च का 5 साल इसमें लगाया, और हमारे सहयोगी रहे डॉक्टर ओंकार सिंह और मैं डॉक्टर भरत राज सिंह, दोनों मिल करके इसको 5 से 6 साल में एक इंजन तैयार किया जो विश्व स्तर पर साइंटिफिक अमेरिकन, जिसमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ने हमारे पेपर को एक्सेप्ट किया था 2 साल में, और उन्होंने इसको वैलिडेट किया, और ये ओरिजिनल रिसर्च मानी गई है और उनके यहाँ रिकॉर्ड में। वहां से दूरदर्शन, तो उनके रेडियो न्यूज, टीवी न्यूज और सब जगह अमेरिका से 2010 में प्रसारित किया जा चुका है। और किसका उपयोग इस इंजन का हमने मोटरसाइकिल पर इसलिए लगाया कि ये इस समय वातावरण जो परिवर्तित हो रहा है, इसमें प्रदूषण का मुख्य कारण है प्रदूषण, और प्रदूषण ये डेवलपमेंट में हमेशा जो भी डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री हैं वहां पर वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ। तो इसका मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो वाहनों की जो मल्टीफोल्ड वाहन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, उसकी वजह से हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उपयोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और उससे विकसित गैसेज जो निकल रहे, पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, वो वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे हमें ग्लोबल वार्मिंग जैसी विविध पूरे विश्व में आ गई है और पूरे क्लाइमेट को परिवर्तित कर रही है। और आप देख रहे हैं कि सैंडी जैसे तूफान उधर होने के, और इन सब की अधिकता दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। इस पर हमने 2 किताबें भी लिखी हैं, एक ग्लोबल अच्छा। वार्मिंग और एक क्लाइमेट चेंज। वो किताबें हमारी क्रोशिया में छपी है, और उसमें हमने इंडिकेट कर दिया था 2012 में ही अच्छा। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के पास बहुत अगले दशक में काफी तूफानों से वो काफी हिस्सा डूब जाएगा, अच्छा और वहां पर विभिषिकाएं इस तरीके की बराबर आएंगी, और भी आप देख रहे हैं कि इतना टेम्परेचर बहुत कम हुआ है, तो नॉर्थ पोल से सारी बर्फ वहां से पिघल कर वही अटलांटिक सागर में मिलती हैं, जिससे कि वहां के वातावरण में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी इतना लो प्रेशर हो जाता है कि तूफान आ जाते हैं, या बर्फ के आ जाने से वहां बर्फबारी बढ़ गई है। तो उस किताब के बाद तो उस किताब का विजिट भी वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम हो रही है। और क्लाइमेट चेंज की जो किताब हमने लिखी है, उस किताब में सिंगेज लर्निंग पब्लिकेशन यूएसए ने कुछ पोर्शन एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए हमसे लिए हैं, जो कि इसी जनवरी में छप जाएगी 5,000 बुक्स, और उनके एलिमेंट्री स्कूल्स में वो चलेगी अवेयरनेस के लिए। जी जी इतनी उम्दा खोज के लिए सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, और आप आज अपने श्रोताओं से जुड़े हैं रेडियो के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए? अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पृथ्वी जो है बहुत ही सुंदर पृथ्वी है, और पर रहने वाले जितने भी जनमानस हैं, अगर हम इस प्रगति की दिशा में हम अगर तो ये प्रदूषण को नहीं रोक पाएंगे, तो आने वाला समय किस दांव से घेर लेगा, या ऐसा न हो कि हम इतनी खूबसूरत जो हमारी पृथ्वी है इनका बहुत ही डैमेज हो जाए, और जैसे कि मानस पर बहुत बड़ी विपत्ति हो गई। तो हमें सबको मिल करके जितनी इस टाइप की प्रदूषण से छोटी छोटी चीजें हैं उसको अगर हम करते हैं, घरों में जैसे हम वेस्ट कम करें, थैले लेकर के सब्जियां खरीदने जाएं, फिर ऑफ कर दें जिससे एनर्जी की कम आवश्यकता हो, जी। गाड़ियों में
सामूहिक रूप से चलें, अगर एक ही ऑफिस में जाना है, एक तरफ से आ रहे हैं, तीन चार लोग इकट्ठे जाएं, तो छोटी छोटी चीजों से भी हमारी एनर्जी की आवश्यकताएं कम हो जाएंगी। और इस तरीके का जो हाइड्रोकार्बन हम जला रहे हैं, पूरे पृथ्वी से निकाल रहे हैं जितने अवयव, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला और सब, इसकी अगर खपत कम हो जाएगी तो ये प्रदूषण काफी कंट्रोल किया जा सकता। हमारी कोई एक छोटी सी पहल थी कि हमने मोटरसाइकिल को इसलिए चुना है कि पूरा अगर देखा जाए तो यूरोपियन एंड एशियन एरिया ये मोटरसाइकिल से भरा हुआ, वाहनों की संख्या के अनुपात में 70 से 80% वाहनों में दो पहिया वाहन अभी भी चल रहे हैं, चाहे थाईलैंड हो, चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे फिलीपीन हो, चाहे ये सारे नीदरलैंड हो, पूरे अभी भी जनमानस 70 से 80% केवल दो पहिया वाहन पर चलते हैं। और उन्हीं से प्रदूषण अगर हम कंट्रोल करते हैं तो हमें 40 से 50% प्रदूषण कंट्रोल पूरे विश्व में हम कर सकते हैं अगर दो पहिया वाहन पर इस टेक्नोलॉजी को हम उपयोग में लाएं। तो ये अभी देखिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है वाहन, और ये आगे चल करके बहुत ही ज्यादा हम चाहते हैं कि इस जनमानस में जाए और इसका लोग उपयोग करें और पूरे विश्व में एक अच्छा हमारा ये पृथ्वी जो अच्छी है, धरोहर है, जिसे हम भारत में भारत माता कहते हैं और पूरे विश्व की है, तो विश्व की माता धरती है, इसको हम बचाएं। आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।